आओ दोस्तों लावा पकड़ रहे हैं, दिखाते हैं बिलावा कैसा होता है और कैसे पकड़ते हैं ये लोग मछली के लिए लावा पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं मिला इन लोगों को और दरिया में ये परिंदे बैठे हैं, आप भी देख सकते हैं हम भी देख रहे हैं। ये छोटे छोटे परिंदे और खूबसूरत परिंदे हैं। ये एक छोटा सा टीला है जिस पे अब मैं पहुँच चुका हूँ और पानी से निकल चुका हूँ। ये ऊपर भी पानी निकला हुआ है और सेटू में चारों तरफ पानी है। थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं देते, पता नहीं क्यों, कोई नाराज़गी है, पता नहीं क्या है। दरियाए सिंध में हूँ। दोस्तों दुनिया पकड़ कर दिखाती है मरी हुई मछलियाँ, कांटों में डाल कर दिखाती है, मगर उनको भी सब्सक्राइब मिलते हैं, हमें सब्सक्राइब कोई नहीं करता। ये देखें, ये भी अभी पकड़ी है मछली, जी हाँ दरिया से पकड़ी है, और ये भी मछली अभी दरिया से पकड़ी है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमने पकड़ी है। और अभी भी सब्सक्राइब ना करो, जाली से भी अभी निकाल रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जाली में इनके कांटे फंसे हुए हैं और कांटों के साथ ये फंस जाती है, जी हाँ। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं देते, अच्छा नहीं करते। ये देखें, ये भी वैरायटी है, जी हाँ दोस्तों ये ज़िंदा मछली है, ये दोनों तीनों ज़िंदा हैं। और मरी हुई मछलियों की वीडियो आपको दिखाते हैं, आप बहुत मज़े से और शौक़ से देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, आपको सब्सक्राइब करना नहीं बोलना चाहिए। मैं अकेला आदमी हूँ, दो दो नहीं हैं, तीन तीन नहीं हैं मेरे साथ कि मेरे साथ वीडियो बनाएँ और पानी में जाकर वीडियो बनाएँ, ये ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। इंशाल्लाह याद रखना, सब्सक्राइब नहीं बोलना। खुदा हाफिज़। तू वीडियो बना सदे को मेरी भाई जान, ठीक है उठे तला भाई ले सुन, कांटा नहीं निकल रहा जवान के हाथों से। ये है। बस छोड़ें।